हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे, जो कि सभी को खाना बहुत पसंद है। और ये देखिए, हमारे जो भटूरे हैं बहुत अच्छे बनेंगे, काफी फुले फुले बनेंगे और छोलों का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए आज हम पूरी रेसिपी शेयर करते हैं छोले भटूरे की। तो सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है और इसको हमने छान लिया था। इस पे हम 1/2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून नमक हम इसमें ऐड कर देंगे और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। तो बेकिंग पाउडर को स्किप ना करें, इससे जो आपका भटूरे है काफी अच्छा फूलेगा। और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे, 3 बड़े चम्मच मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। तो जो जो चीजें मैंने इसमें डाली है आप उसको डालिए, आपके जो भटूरे हैं हमेशा परफेक्ट ही बनेंगे और काफी अच्छे फुले फुले भटूरे आपके बनके रेडी होंगे। तो इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, इससे आपके भटूरे सॉफ्ट बनेंगे। और फिर मैंने दही ले लिया है और ये घर में जमाया हुआ दही है और ये मेरा हल्का सा खट्टा दही है। और हम पानी से आटा ना लगा के पूरा दही से ही आटा लगा लेंगे, इससे इसको एक अच्छा सा फ्लेवर भी मिल जाएगा और जो हमारे भटूरे हैं काफी अच्छे फूलेंगे भी। तो मैं इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो लगा के रेडी कर लूंगी। इसी तरह से देखिए आटा लग चुका है और इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद इसको हम ढक के रख देंगे। तो हम आधे से 1 घंटे तक ही इसको ढकेंगे, आपको ज्यादा इसको देर रखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 1 घंटा और मिनिमम 1/2 आवर्स आप इसको रख सकते हैं। तो हमारा आटा लग चुका है, अब चलते हैं हम छोले बनाने की प्रोसेस में। तो मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चाय पत्ती रख दिया है 1/2 टेबल स्पून, 1 इलायची इसको मैंने खोल के इसमें डाल दिया है, 3 से 4 लौंग डाले हुए हैं और 3 से 4 काली मिर्च मैं इसमें डाल दूंगी। इससे क्या होगा कि जो हमारे छोलों का जो फ्लेवर होगा ना बहुत ही टेस्टी आता है। तो देखिए मैंने इस पर एक तेज पत्ता इसको तोड़ दिया है और इसकी हम एक पोटली सी बना देंगे। देखिए इस तरह से हमको इसको बांध लेना है ताकि ये खुले नहीं, इससे जो होता है छोलों में जो कलर आता है बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए छोले मैंने ओवरनाइट भिगा के रख दिए थे और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 आलू मैंने इसमें छिलके डाल दिया है और उसके बाद हम इसमें पोटली डाल देंगे। ये देखिए इसको हम इस तरह से डाल देंगे और उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे जितना कि हम नॉर्मल छोलों में डालते हैं, और पानी इतना डालें कि हमारे जो छोले हैं वो उसमें डूब जाएं। और उसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया है, इससे जो आपके छोले हैं ओवर कुक भी नहीं होंगे और इसका जो छिकल है बाहर का वो भी नहीं निकलता है, तो परफेक्टली कुक हो जाते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया और इसको हम 2 सीटी ले आएंगे। तो देखिए 2 सीटी आ गए और हमारे छोलों का कलर देखिए, चाय पत्ते के डालने से इनका कलर जो है ना बहुत ही अच्छा आता है और जो हमारे हमने ड्राई मसाले डाले थे उससे भी इसका टेस्ट काफी अच्छा आएगा। तो चलते हैं इसकी तड़के की तरफ। कढ़ाई ले ली है, ऑयल डाल दिया, ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे, 2 तेज पत्ता इसको मैंने काटा बारीक, थोड़ा सा उसको तोड़ दिया था। और फिर हमने 2 बड़े साइज के प्याज मैंने इसको हल्का सा चॉप कर लिया था और उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर जैसे इसमें आ जाए फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। देखिए मैंने लहसुन अदरक को हल्का सा दरदरा कूट लिया था और फिर हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर हम डाल देंगे 2 बड़े साइज के टमाटर, इसका मैंने प्यूरी बना लिया था और इसको हम अच्छे से इसमें पका लेंगे। और फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून गरम मसाला। तो ये मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून आमचूर का पाउडर डाला है, आप चाहे तो इमली पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं खट्टा करने के लिए। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, इससे इसका जो कलर है बहुत अच्छा आ जाएगा, कश्मीरी लाल मिर्च है। तो मसाले इसमें इतने ही मसाले जाएंगे और उसके बाद हम इसको 2 मिनट तक लो फ्लेम में पका लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं अच्छे से भुन जाए। तो देखिए इसी तरह से मैंने इसको भून लिया है। अब आप देख सकते हैं कढ़ाई की साइड में हल्का सा ऑयल बाहर निकलने लगा है, इसका मतलब हमारा मसाला जो है बन चुका है।
अब मैंने जो इसमें आलू थे उसको मैं इसमें डाल दिया है। और उसके बाद मैंने कुछ छोले ले लिए थे, एक बाउल में छोले लिया था, उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। इससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रेवी है उसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है और इसका टेस्ट भी कुछ अलग आता है। तो आप लोग इस तरह से एक बार छोले जरूर बना के देखिए, आपकी ग्रेवी काफ़ी थिक बनेगी और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। और जो बाकी के छोले थे हम इसमें इसको ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसको 2 मिनट तक इसी तरह से हाई फ्लेम में इसको भून लेंगे। इससे भी इसका टेस्ट काफ़ी अलग आता है। देखिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी ड्राई छोले खा सकते हैं, बट मैं इसका हल्का सा ग्रेवी बना लूंगी। तो अब हमको जितना इसकी जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, वो टोटली आप पर है। तो ये देखिए अब इसकी जो हम ग्रेवी है इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। देखिए हमारे जो छोले अच्छे से उबल चुके हैं, कितनी अच्छा इसका कलर आ रहा है। और लास्ट में हम थोड़ा सा गरम मसाला और डाल देंगे और 1 टेबल स्पून घी हम इसमें एंड में ऐड कर देंगे, इससे इसका टेस्ट काफी अलग आएगा। तो एंडिंग में ही आप इसको घी डालें और लास्ट उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। ये देखिए थोड़ा सा कसूरी मेथी हम इसमें डाल देंगे। और आप लोग के पास अगर धनिया है तो आप इसको धनिया से गार्निश कर लीजिए, बहुत सुंदर दिखता है। और देखिए हमारी जो छोले थे बनके रेडी है। आप लोग इसका कलर देख सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इस तरीके से एक बार जरूर बना के देखिए। तो हमारे छोले भी बनके रेडी हैं। अब चलते हैं हम अपनी डो की तरफ। तो डो को मेरा 50 मिनट्स लगभग, 45 से 50 मिनट हमारे हो चुके हैं इसको, और ये काफी फूल भी चुका है। तो अब हम इसको एक बार अच्छे से फिर से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार। ये देखिए परफेक्ट जो है हमारा आटा लग के रेडी हुआ है। तो अब हम इसके एक छोटे छोटे लोइया ले लेंगे, इसका एक छोटा सा बॉल बना लेंगे और इसको हम नॉर्मल चपाती की तरह बेल लेंगे। आपको भटूरे किस शेप में चाहिए आप उसी हिसाब से अपना बॉल लीजिए। अगर आपको बड़े भटूरे चाहिए तो आप ज़्यादा ले लीजिए, छोटे चाहिए तो आप छोटे लीजिए। तो मैं मीडियम साइज का भटूरा बनाऊंगी, बहुत बड़ा भी नहीं और काफ़ी छोटा भी नहीं। और इसको हम नॉर्मली जैसे हम चपाती बेलते हैं उस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। तो देखिए हमारा जो पहला भटूरा था मैंने बेल लिया है, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। तो अब मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई पे मैंने ऑयल रख दिया था। ऑयल हमारा एकदम तेज गर्म होना चाहिए और जैसे ऑयल गर्म हो जाता है तो हम भटूरे को इस तरह से इसमें डाल देंगे। और डालते ही हम इस तरह से साइड साइड से इसको चम्मच से नीचे को दबाएंगे, क्योंकि आप जितने अच्छे से नीचे को दबाएंगे भटूरे को ऑयल में, उतना ही जो आपका भटूरा है एकदम से फूल के ऊपर आता है। साइड साइड से इस तरह से तेल डालिए जैसे कि मैं डाल रही हूँ। तो देखिए जितना मैं इसमें ऑयल ऊपर में डाल रही हूँ उतना ही भटूरा हमारा ऊपर को उठ के आ रहा है। तो देखा आपने कितने अच्छे से हमारा जो भटूरा था फूल के रेडी हो गया है। और हमने इसमें चीनी डाला है, नमक डाला है, तो इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए हमारा जो पहला भटूरा था बन के रेडी है। मैंने मीडियम साइज का भटूरा बनाया था, उसी तरह से मैं सारे के सारे भटूरे बना लूंगी। तो करते हैं इसकी प्लेटिंग। देखिए हमारे छोलों का कलर देखिए। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखिए हमारे छोले भी रेडी हैं और हमारे भटूरे भी रेडी हैं। तो कर लेते हैं हम इसकी प्लेटिंग। ये देखिए हमारा भटूरा कितना परफेक्ट बना हुआ है। तो इसी तरह से आप किसी भी टाइम पर इसको बना सकते हैं और सभी को ये भटूरे खास खिला सकते हैं। सभी को ये रेसिपी काफ़ी पसंद आती है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप सभी को बाय बाय।